बुरहानपुर में मध्य प्रदेश सरकार के समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल के आह्वान पर बुरहानपुर में भी सात सूत्री मांगों के लिए आंदोलन सतत चालू है, जिसको लेकर संयुक्त मोर्चा बुरहानपुर द्वारा समर्थन दिया गया। उपरोक्त जानकारी देते हुए प्रदेश कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष एवं जिला संयुक्त मोर्चा के संयोजक ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित ने बताया कि पैक्स सहकारी समितियों में कार्यरत लंबित मांगों के लिए पूर्ण नहीं होने कारण मजबूरन होकर संपूर्ण प्रदेश में महा आंदोलन किया जा रहा है। सरकार द्वारा कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी लगातार की जा रही है। सहकारिता समिति में कार्यरत कर्मचारियों की सात सूत्री मांगों को वर्षों से सरकार के समक्ष आवेदन निवेदन आभार के मार्फत करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही। मजबूरन होकर महाआंदोलन की ओर रुख करना पड़ रहा है। मुख्य मांग 2019 से जारी सेवा नियम अनुसार वेतनमान प्रदान किया जाए, प्राइवेट उपभोक्ता भंडार एवं अन्य भंडार पर क्रय विक्रय पर 200% कमीशन प्रदान किया जाए, सभी कर्मचारियों को नियमित किया जाकर पुरानी पेंशन लागू की जाए, सभी को समान काम समान वेतन प्रदान किया जाए। सहकारिता महासंघ के जिला अध्यक्ष नरेंद्र अमोदे जयंत पाटीदार ने बताया कि अगर सरकार ने हमारी मांगें पूरी नहीं की तो हम आने वाले चुनाव में नोटा का इस्तेमाल करेंगे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे। समर्थन देने वालों में संयुक्त मोर्चा की ओर से राजेश सावकारे, राजेश सालवे, शांताराम निम्बोरकर, राजकुमार मंडलोई, शेख महमूद, कैलाश निगम ठाकुर, अरविंद सिंह ठाकुर, हेमंत सिंह, जितेंद्र शर्मा, डॉक्टर अशफाक खान एवं सभी अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। बिना सहकार नहीं उद्धार के नारे लगाए गए, कर्मचारी कर्मचारी भाई भाई के नारे लगाए गए। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, हम अपना अधिकार मांगते, कोई भीख नहीं मांगते, देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। विगत चार वर्षों से मध्य प्रदेश में शासन के जितने विभाग हैं, हर विभाग का कर्मचारी असंतुष्ट है। कर्मचारी अपनी मांगों को लगातार सरकार के पास आवेदन निवेदन करके पहुंचा रहा है, लेकिन सरकार उस पर संज्ञान नहीं ले रही है। लेकिन ऐसा करते करते 2023 आ गए, तीसरा सत्र भी शासन के चले जा रहे हैं। अब यह मौका है दो चार महीने का, जो अभी चुनावी वर्ष है, और चुनावी वर्ष में ऐसा माना जाता है कि शासन अपने वोटरों को, अपने कर्मचारियों को आकर्षित करने के लिए आम जनता को अपनी विभिन्न प्रकार की योजना लाती है। तो हमारी भी जो, जैसे हमारे मध्य सरकारी संघ की जो मांग है, जो लगभग 6 साल से ये लोग भी हड़ताल कर रहे हैं, हर बार हम इनको समर्थन भी करते आ रहे हैं। जो जायज़ मांग है सरकार को, उसको पूरी करना चाहिए। अगर सरकार मांग पूरी नहीं करेगी तो निश्चित ही 2023 के आने वाले चुनाव में इसका विपरीत असर होगा। आज चूंकि इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम नोटा का उपयोग करेंगे, तो ये एक प्रकार से लोकतंत्र में एक हथौड़ा मारने की बात हो रही है कि हम अपने अधिकारों का, जो एक स्याही है उंगली की, ये स्याही, अगर हमारी इस स्याही से आपका अधिकार मिल रहा है तो हमारी इस स्याही से आप हमारे का अधिकार क्यों नहीं दे रहे हो? ये स्याही से हाँ आपकी पेंशन है, हमारे वोट से आपकी पेंशन मिल रही है, लेकिन देखिए विडंबना देखिए कि यही वोट जिन हम जिनको दे रहे हैं वो पुरानी पेंशन का घी पी रहे हैं और कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम की योजना थोपी जा रही है। बाबा साहब आम्बेडकर के जो संविधान का खुला उल्लंघन किया, मखौल उड़ाया जा रहा है। आप एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हो, उनकी जन्म शताब्दी मनाते हो, लेकिन उनके कहे मार्ग को अगर नहीं चलो तो क्या मतलब फिर? आप संविधान को नहीं मान रहे, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है पुरानी पेंशन हमारा अधिकार है, कोई अनुदान अनुग्रह राशि नहीं है और आपको देना पड़ेगा। और आज कर्मचारियों का भी आंदोलन चल रहा है, संपूर्ण संयुक्त मोर्चा, हमारे साथी राजेश सावकार जी, सालवे जी है, मंडलोई जी है, शांताराम निम्बोरकर जी है, हमारे सभी घटक दल हमारा संयुक्त मोर्चा कर्मचारियों के साथ है। चाहे जो मर्जी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। आप शासन की सारी योजनाओं को लागू करने में जितना सरकारी कर्मचारियों का आप उपयोग कर रहे हो, वही उपयोग के बदले उनको बुढ़ापे में पुरानी पेंशन दीजिए। जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वो देश पर राज करेगा, बहुत खुली खुली बात है सब। मैं ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित, प्रदेश कर्मचारी महासंघ का अध्यक्ष हूँ और जिला संयुक्त मोर्चे का संयोजक।